वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम फिर आगे बढ़ते हैं लेक्चर्स में। और लास्ट जो एक एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्वांटिटीज़ के हवाले से, उसमें थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। आखिरी हिस्सा था, मैंने क्विकली ये चीज़ बता दी थी। एक्सटेंसिव से मुराद ये है कि जब आपके पास वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हों जो जितनी क्वांटिटी ऑफ स्टफ़ आप किसी सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं, अगर क्वांटिटी ऑफ स्टफ़ को अगर आप बढ़ाएं सच दैट यू कीप द डेंसिटी फिक्स्ड, तो बेसिकली आप डेंसिटी को फिक्स कर रहे हैं जो कि एन ओवर वी है, मगर आप नंबर बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको डेंसिटी फिक्स करने के लिए वॉल्यूम भी बढ़ाना है। तो उस लिहाज से जब हम ये कहते हैं कि प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम है, तो उस सेंस में है। तो कई दफ़ा इसको इस तरह डिफाइन कर दिया जाता है कि सिस्टम साइज़, मगर इससे मुराद यही होती है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी तादाद अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बढ़ती चली जाएंगी। कुछ थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेबल्स हैं जो सिस्टम साइज़, जो सिस्टम के अंदर जो स्टफ़ आप डाल रहे हैं वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये उस सेंस में उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस सेंस में करते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो, मैं सोचा था कि आप लोगों के लिए तो इसको बेहतर है किस तरीके से हम लिख लें कि अमाउंट ऑफ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्टफ इन द सिस्टम। ऑब्वियसली अगर अमाउंट ऑफ स्टफ़ से मुराद है जिससे जिन जिन चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है, जो भी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह जिससे वो सिस्टम मिलके बना, अमाउंट ऑफ स्टफ इन द सिस्टम। एंड दिस डजंट, दूसरा वाला जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो जिससे पता आपको प्रेशर टेम्परेचर जो है वो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, जबकि एनर्जीज वगैरह जो हैं वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकती हैं और करती हैं, इसलिए उनको एक्सटेंसिव कह दिया जाता है, इनको इंटेंसिव कह दिया जाता है। अच्छा, और अब हम जो एक पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी डेफिनेशंस वगैरह थी और वो चीज़ें थी, अब हम जो है प्रॉपरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं, मगर उसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम कोई ना कोई सिस्टम जो है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे जहन में हो, और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे जहन में हम रखना चाह रहे हैं वो इट्स द सिंपलेस्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन द सेंस दैट उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम काफ़ी हद तक जानते हैं, और वो मैथमेटिकली जो है वो ट्रैक्टेबल भी है, यानी मैथमेटिकली उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और वो रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को जो है वो कॉरस्पॉन्ड भी करता है। तो मैं जिस की बात कर रहा हूँ वो आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। आइडियल गैस का जो है ये रिलेशन PV is equal to NKBT, this is what is called the ideal gas law, ठीक है ना? ये आपको पता ही है, ये ideal gas law कहलाता है, ideal gas law। और ये एक example है जो थोड़ी देर पहले पिछले lecture में जब हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये equation of state क्या होती है, तो this is an example of an equation of state. Equation of state जो है thermodynamics में बुनियादी जो कोशिश की जाती है कि जो thermodynamic variables हैं उनके दरमियान एक relationship establish की जाए, ये बताया जाए कि thermodynamic variables एक दूसरे पे कैसे depend करते हैं। और उसकी जो बेहतरीन example है वो ये ideal gas law है। आइडियल गैस लॉ जो है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये आपको बताती है कि ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो कि प्रेशर ऑफ द गैस है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, टेम्परेचर ऑफ द गैस है, ये जो हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, या टोटल नंबर भी, तो ये जो हैं ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ये जो हैं ये कैसे जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो दिस बेसिकली इस्टेब्लिश the relation between these thermodynamic variables, और आपका system जो है वो तो बहुत सारे molecules से मिल के बना हुआ है, मगर thermodynamics आपको एक average behavior दे रही है, और in terms of these
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स वो दे रही होती। तो ये बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है इक्वेशन ऑफ स्टेट की, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल ऑफ अ थर्मोडाइनमिक रिलेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है ना। अच्छा, हम जो जिस सिस्टम की बात हम कंसिडर करेंगे और आगे चल के भी हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि एक आइडियल सा सिस्टम, मगर वो रियल वर्ल्ड सिस्टम से भी कॉरस्पॉन्ड करता है और हमें चीज़ों को समझने में मदद देगा, वो हम आमतौर पे क्या करें कंसिडर करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे कि कोई आइडियल गैस है जो फिल कर रही है एक सिलेंडर को, जिसके ऊपर एक कुछ पिस्टन है और उसके ऊपर कुछ वेट्स रखे हुए हैं जो वो एक ख़ास प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त जो है ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम जिस तरह हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हर इक्विलिब्रियम जो स्टेट है सिस्टम की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फंक्शंस ऑफ स्टेट हैं, ठीक है ना, या जिनको स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। तो वो जो बेसिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं आइडियल गैस के लिए, वो प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह है और टेम्परेचर। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि एन को तो हमने फिक्स कर दिया, टोटल नंबर हमने गैस का फिक्स कर दिया, हम अलाउ नहीं कर रहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कैन गो आउट और कम इन, वी आर नॉट एडिंग एनी पार्टिकल्स टू द गैस, वी आर नॉट टेकिंग एनी पार्टिकल्स आउट ऑफ द गैस, तो वो फिक्स है। तो बेसिक जो आपके पास थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स आ गए, वो आ गए प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। अब ये थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और इक्विलिब्रियम में हम ये कहते हैं कि ये जो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स हैं, ये थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स जो हैं इनकी डेफिनेट वैल्यू है और वो टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही। यही बेसिक डेफिनेशन है एक थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें, और ये जहन में आप रखें, ये चाहें तो हम एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना सकते हैं, और हर पॉइंट जो इस ग्राफ पर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहला सकता है, ठीक है। एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये पॉइंट जो है ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स P1 एंड V1। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है ये डिफाइन हो रही है इनमें, इस इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम की डेफिनेट वैल्यू है जिसको हम P1 और V1 का नाम दे रहे हैं। इसी तरह ये जो स्टेट है ये भी थर्मोडायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इसमें अब प्रेशर और वॉल्यूम तब्दील हो गया है और उसकी कोई और वैल्यू है, लेट्स से P2 एंड V2। तो हर पॉइंट जो है, जब आप इस अरेंजमेंट को, जो ये पिस्टन वाला जो अरेंजमेंट है और सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट है, इसमें आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएँ, प्रेशर कम करते चले जाएँ, पिस्टन ऊपर मूव करे, नीचे मूव करे, प्रेशर और वॉल्यूम तब्दील हो रहा है गैस का, तो आप इस प्रोसेस के ज़रिए, इस तरीक़ेकार के ज़रिए, जो कि एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है, और इस किस्म का तरीका जो है, ये तरीका कोई ऐसा जिसे आप कह सकते हैं किताबी बात नहीं है, ये हर गाड़ी जो जिसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है उसमें यही अरेंजमेंट होता है, पिस्टन और आप जो आपकी डीजल या पेट्रोल है उसका बर्न कर रहे होते हैं, और ये पिस्टन इस तरीके से मूव कर रहा होता है और वो आपके के जो है गाड़ी को चलाता है। तो ये उसी किस्म की जो एक अरेंजमेंट है जिसकी एग्जांपल आपको बहुत सारी डिफरेंट किस्म की मशीन्स में भी मिलेगी, कार के अलावा। अच्छा जी, तो बेसिकली क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि हर जब आप ये प्रोसेस करते हैं कि आप वेट्स को चेंज कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है, तो आप ये जो पिस्टन को ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं, इस पिस्टन को नीचे या ऊपर मूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग दीज वेट्स ऑन द पिस्टन, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे और फिर आप वेट करेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये हर पॉइंट जो है ये, अच्छा अब इसमें जो है दो चीज़ें हैं जिनको जहन में रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि इसमें आपको, आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर है कोई ज़िक्र नहीं है,
सिर्फ ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट का आइडियल गैस के लिए, इसमें से प्रेशर और वॉल्यूम दिए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि हर प्रेशर और वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर आप इधर से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो फिक्स्ड हैं। तो टेम्परेचर यू कैन, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहा, क्योंकि वो इस इक्वेशन में आप P1V1 डाल दें तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको T1 मिल जाएगा इस इक्वेशन से, तो आपको अलहदा से एक टेम्परेचर की बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो इट्स नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में आप P1 और V1 स्पेसिफाई कर देते हैं तो T1 ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से आप डिटरमिन कर सकते हैं वो नंबर इधर डालकर, ठीक है। अच्छा, इसलिए आपको सिर्फ पी और वी, ये पी वी का कर्व नज़र आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व नज़र आ रहा है, और इस कर्व के अंदर ये वैसे ही दिखाया जा रहा है, कोई भी आप कर्व बना सकते हैं इसके अंदर, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी आ सकता था, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर बुनियादी पॉइंट ये है कि ये आप प्रोसेस कर सकते हैं बाय मूविंग योर पिस्टन, कि आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेबल्स हैं, और उनको आप जो हैं तब्दील कर सकते हैं बाय डूइंग दीज थिंग्स। अच्छा, एनीवे, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस का मतलब ये है कि ये जो काम है ना हमने ये करना इधर थर्मोडायनेमिक्स में, जब हम ये इस किस्म के अरेंजमेंट्स की बात कर रहे होते हैं कि सिस्टम जो है वो इनिशियली एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है और अब हम उसको मूव कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर के तहत वो किसी और इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इक्विलिब्रियम, मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप इस तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस है ना, इस केस में तो उसकी फिजिकल एग्जाम्पल ये हो गई कि आप पिस्टन को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं बाई चेंजिंग द वेट्स ऑन द पिस्टन, ठीक है, ये अपने एक समझने के लिए आपने एक अरेंजमेंट जो है अपने जहन में रखा। अच्छा, अब ये है प्रॉब्लम इसके अंदर कि जब हम ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करते हैं, जो ये थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स हैं, तो ये स्ट्रिक्टली डिफाइंड हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। तो जब आपने ये करना है ना, और आपने कहना है कि ये इसके पास वाली जो स्टेट है वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये प्रोसेस इतना आहिस्ता से करें कि आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को करें, इतना जैसे आप कह सकते हैं कि लाइट टच के साथ ये करें, इतना जो है ना वो नज़ाकत के साथ आप करें कि ये जो है ना सिस्टम इक्विलिब्रियम या नियर इक्विलिब्रियम ही में रहे। मतलब ये है कि ये ना करें कि ये वेट्स जो हैं एकदम से आप जो हैं दो वेट्स उठा देंगे, तो फिर ये होगा कि एकदम से ये जो है पिस्टन ऊपर मिसाल के तौर पे शूट करेगा। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके प्रेशर तो ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाले हिस्से को पता भी नहीं चलेगा कि उसका प्रेशर चेंज हुआ है, तो सिस्टम जो एकदम से जो है यूनिफॉर्म प्रेशर वाली इन्वायरमेंट से निकल जाएगा, और दूसरे लफ्ज़ों में इक्विलिब्रियम से दूर हो जाएगा, और उसको फिर इक्विलिब्रियम में आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप का वो जो दुरानिया है जिसमें सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो आप इस कर्व के ऊपर नहीं रहेंगे, आप इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर से हट जाएंगे, वो आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हर जो कनेक्टेड स्टेट है इधर, इससे अगला जो प्रोसेस में आप जा रहे हैं, वो तमाम में प्रेशर और वॉल्यूम वेल डिफाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज हों। तो उसके लिए जो हम ये सफ़र ये करते हैं कि हम जो है ये प्रोसेस बड़े आहिस्ता आहिस्ता करें, यानी हम ये सोचते हैं कि ये वेट्स जो हैं ये कोई बड़े वेट नहीं है, बल्कि इस तरह के हम बहुत सारे छोटे 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 वेट्स जो हैं ना, बहुत लाइट वेट्स जो हैं का एक बड़ा कलेक्शन हम तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं हम हल्का से एक को उठाएंगे, फिर जो है थोड़ा सा जो है ये गैस एक्सपैंड करेगी, यानी पिस्टन हल्का सा मूव करेगा और सिस्टम बड़ी जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और वो जो थोड़ा सा प्रेशर का चेंज है, थोड़ा सा वॉल्यूम का चेंज हुआ है और जल्दी से इक्विलिब्रियम में आ गया है, वो हमारा जो है नेक्स्ट करीब का पॉइंट इस कर्व पे बन जाएगा, और वो भी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरीके से इसको ना इन प्रोसेसेस को क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस कहते हैं। और कई दफ़ा इससे कनेक्टेड है रिवर्सिबल प्रोसेसेस भी, कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस जो हैं वो आमतौर से रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, कि अगर आपने वही जो थोड़ा सा वेट उठाया था उस वेट को वापस रख दें, तो सिस्टम ने वो पुराने इक्विलिब्रियम में आ जाएगा,
जितना आपने हल्का सा वेट था उसको उठाया, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, फिर आपने वापस वो वेट रख दिया और इनिशियल प्रेशर जो और वॉल्यूम था और वो इक्विलिब्रियम जो इनिशियल स्टेट थी आप वापस उस पर आ गए। तो ये क्वासी स्टैटिकली हम ये सोचते हैं जब हम इस किसी भी जो है वो हम जिस वक्त ये प्रोसेस कर रहे हों किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में ज़रूरी है कि जो आपके पास ये जो प्रेशर वॉल्यूम वगैरह हैं ये डिफाइंड ही स्ट्रिक्टली जो हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स के लिए हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इक्विलिब्रियम से बहुत दूर ना जाएं, ठीक है ना। इसलिए जो है थर्मोडायनेमिक्स में ये करते हैं। अब आजकल की जो मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स है और उसमें बहुत सारी जो नई चीज़ें आई हैं उनमें नई चीज़ें ये आई हैं कि अब नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स का भी एक बाकायदा फील्ड है, जहां आप ये देखते हैं कि अगर सिस्टम इज़ ड्रिवन अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम सो हाउ डू यू डिटर्मिन डिफरेंट क्वान्टिटीज़। मगर ऑब्वियसली हम तो इसको भी इस कोर्स में स्टडी नहीं करेंगे, मगर वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इस वक्त सिग्निफिकेंट रिसर्च एरिया है और रिसेंटली उसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के रिजल्ट सामने आए। चलें पहले हम ये समझ लें कि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसके बाद इस पोजीशन में हो सकते हैं कि उन चीज़ों के मुतालिक डिस्कस करें। अच्छा जी, अब हम जो नेक्स्ट हमारा है ये बेसिकली ये मैं स्टेज सेट कर रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम आपके जहन में होना चाहिए वो आइडियल गैस होनी चाहिए इस किस्म की सिलेंडर पिस्टन किस अरेंजमेंट के अंदर, और इसमें हम किस तरीके से एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जा सकते हैं। अब हमारे सामने से सवाल वही है जो पुराना सवाल था जो हमने पहले सेट किया था, और वो सवाल था कि हाउ कैन वी चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा जी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो हर इक्विलिब्रियम स्टेट जो अच्छा उसमें अब हम उस सवाल के जवाब की तरफ जा रहे हैं, तो जहन में रखें कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, अब हम एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है जो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है उस सिस्टम की टोटल एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करती है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया। तो आपको याद होगा कि हमने ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो हासिल की थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये हासिल किया था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है फॉर ईच मॉलिक्यूल इज़ गिवन बाय दिस। सो दिस वी कैलकुलेटेड दैट फॉर एन आइडियल गैस। तो वही चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हम समझ सकते हैं कि अगर n मॉलिक्यूल्स हों ऑफ एन आइडियल गैस तो उनकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है जिसको आप कह सकते हैं टोटल एवरेज एनर्जी जो सिस्टम की है वो जो है आप उसको कह सकते हैं कि वो इज़ द सम ऑफ ऑल is the sum of the kinetic energy of all the molecules for this ideal gas. और क्योंकि हर एक का जो है molecule की kinetic energy जो है वो 3/2 kBT है, n of them होंगे तो ये 3/2 n kBT हो जाएगी। तो दिस इज़ ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। अगर गैस आइडियल नहीं है तो फिर ये ट्रू नहीं है, मगर हम आइडियल ही ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस रिलेशन को अगर आप देखें तो इससे ये भी जाहिर होता है कि U जो है वो 3/2 PV के बराबर है, क्योंकि n kBT की जगह हम आइडियल गैस लॉ से। अब आइडियल गैस लॉ जो है ये जहन में रखें कि ये एक एम्पिरिकल लॉ है, यानी कि ये वो लॉ है, इसको बाद में साबित भी किया जा सकता है काइनेटिक थ्योरी वगैरह से, लेकिन जो ओरिजिनली लोगों ने ये हासिल किया था वो एक्सपेरिमेंट से ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। अच्छा, हम उसको लेके चल रहे हैं और अब आप ये देख रहे हैं कि U जो है वो 3/2 PV बन गया। इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में जो कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस को जाहिर कर रहा है, हर पॉइंट जो है जिसमें P और V की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग
इंटरनल एनर्जी की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मगर हर इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ये पॉइंट्स जो हैं, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इक्विलिब्रियम स्टेट्स को जाहिर कर रहे हैं, ये सारे इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को जाहिर कर रहे हैं, और हर पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम की कोई डेफिनेट वैल्यू है, वेल डिफाइंड वैल्यू है, और उस वेल डिफाइंड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वेल डिफाइंड वैल्यू है यू की, जो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, ऑफ योर आइडियल गैस। और इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो फंक्शंस ऑफ स्टेट्स हैं, इसी तरह जो है इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन ऑफ स्टेट है, या दूसरे लफ्ज़ में स्टेट वेरिएबल है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास n मोल्स ऑफ अ गैस और हर मोल में जो है वो गार्डोज नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको जो है हम एन ए और के बी को मिला कर, यानी इसमें n की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये जो एन ए के बी का कॉम्बिनेशन है, ये क्योंकि बार बार आ रहा होता है, तो इसको एक और कांस्टेंट आर, यानी कि जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, उसकी टर्म्स में भी इसको लिख लिया जाता है। अच्छा, अब ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस्टेब्लिश कर रही है आइडियल गैस के लिए, और वो ये कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फिक्स किया हुआ है, तो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल राइट हैंड साइड पे, वो टेम्परेचर ही है, तो इंटरनल एनर्जी जो है इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ये हमारे सामने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी ये स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एसेंशियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि अगर हम, जो हमारे सामने बुनियादी सवाल था कि हाउ डज द एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हाउ कैन वी चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, हम इस में जब ये क्वेश्चन करते हैं, तो जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा आपको कहा था कि जब ये शुरू में ये लॉ डिस्कवर हुआ था, तो उस वक़्त लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता नहीं था, इस्टेब्लिश नहीं हुआ हुआ था वो लॉ, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की साइंस जब डेवलप हो रही थी, तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह दिया गया था। अब जो है, अब हमारे लिए ये कोई इतनी, जिसे आप कह सकते हैं कि हैरत अंगेज लॉ नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज़ में और मुख्तलिफ एरियाज ऑफ फिज़िक्स में हमें ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हमारे सामने ये प्रिंसिपल आता रहता है, इसलिए ये हमें कोई इतना ज़्यादा हैरत अंगेज नहीं बात लगती। एनीवे, अब हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, यानी यू गो थ्रू सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसकी ये एग्जांपल है कि आपने पिस्टन को का वेट्स को चेंज किया और अलाउ किया कि मिसाल के तौर पर कि गैस एक्सपेंड कर जाए या गैस कंप्रेस कर जाए, दूसरे लफ्ज़ों में उसका प्रेशर और वॉल्यूम तब्दील हो जाए, और ये आप इस किस्म के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान जो है हर पॉइंट पर, हर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसमें जो है आपके सिस्टम की कोई ख़ास इंटरनल एनर्जी है, और आप जो है एक प्रोसेस करते हैं जिससे एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाते हैं, और आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे तब्दील होती है। तो इंटरनल एनर्जी को तब्दीली जो है उसके लिए उसके दो जो हैं तरीक़ेकार हैं, वो ये है कि या तो कोई हीट ट्रांसफ़र हो टू द सिस्टम, या सिस्टम के ऊपर, यानी हीट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि या तो आप उस सिस्टम को किसी हॉट प्लेट के ऊपर या ओवन में रख दें और उसमें हीट आ जाए, या फिर उसको किसी कोल्ड फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें कि वो जो है
हीट ट्रांसफ़र एक केस में, पहले केस में हीट ट्रांसफ़र या हीट इनपुट इनटू द सिस्टम हो रही, दूसरे केस में सिस्टम इज़ गिविंग ऑफ हीट। तो या तो सिस्टम के अंदर हीट आ रही है या सिस्टम हीट दे रहा है टू द सराउंडिंग्स। और एक तो ये तरीका है, अगर हीट इनटू द सिस्टम होगी तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, डी क्यू को पॉजिटिव ले लेंगे कि हीट आप सिस्टम में डाल रहे हैं तो उसके ज़रिए से इंटरनल एनर्जी जो है में एक पॉजिटिव तब्दीली आ रही, यानी वो बढ़ रही है। और अगर सिस्टम हीट लूज़ करता है, यानी कि सिस्टम हीट ट्रांसफ़र करता है टू द सराउंडिंग्स, तो फिर ये डी क्यू जो है वो नेगेटिव होगा, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। मगर साथ साथ एक और इंग्रेडिएंट भी है, एक और तरीक़ेकार भी है, और वो ये है कि या तो सिस्टम वर्क करे या सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए। अगर सिस्टम वर्क करता है तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, तो सिस्टम ने क्योंकि वर्क किया है तो उसने कुछ ना कुछ वर्क भी जो है, ये लॉ जो बेसिकली बता रहा है कि हीट एंड वर्क बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो जो इंटरनल एनर्जी की तब्दीली आ रही है, एक फॉर्म जो एनर्जी की है वो दूसरी जो उसमें तब्दीली आ रही है इंटरनल एनर्जी में, वो इन दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ज़रिए से हो सकती है। या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो आप अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम ने वर्क किया है तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे भी ये वर्क हुआ। और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया है तो डी डब्ल्यू को हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो यहाँ से फिर पॉजिटिव साइन बन जाएगा, और इसका मतलब ये है कि हमने सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया है और उसमें उसको एक एनर्जी दी है जो कि विच विल इंक्रीज दिस इंटरनल एनर्जी। तो ये थोड़ा सा साइंस वगैरह का ख्याल रखना होता है इसमें, ताकि आप जो है ये बैलेंस मालूम कर सकें कि प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है डी यू में, वो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा जी, अब हम ये मालूम अगर करना चाहें कि ये ठीक है डी क्यू तो अपनी जगह है, और आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने जो ऊपर डी क्यू के ऊपर ये जो लगाए हुए हैं डैशेस, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि डी क्यू और डी डब्ल्यू जो हैं, डी क्यू एंड डब्ल्यू आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, नॉट फंक्शंस ऑफ स्टेट, बिकॉज देर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो हमने पिछली दफा डिफाइन किया था। ज़्यादा उसकी आपको वरी करने की जरूरत नहीं, बस इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, इसका मतलब ये है कि Q एंड W जो है आर नॉट एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की कोई इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है। ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि अगर आप इस प्रोसेस पे जाएंगे तो वर्क डन और होगा, इस प्रोसेस पे जाएंगे तो वर्क डन और होगा, एंड हीट ट्रांसफ़र के में भी यही बात ट्रू है, या इससे जाएंगे। अलबत्ता इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो सिर्फ इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इस तरह कैरी आउट किया है, या ऐसे घूम के आए हैं, या इस तरह आए हैं, या इस कर्व के अलोंग आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं उस पे डिपेंड करता है कि उसमें वैल्यूज पी और वी की क्या थी, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग यू की क्या वैल्यू थी, और उससे आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो वो इनिशियल और फाइनल जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स है सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं। अलबत्ता जो वर्क, और इसलिए उसको ये कह दिया जाता है कि ये ख़ास प्रॉपर्टी है सिस्टम की, अलबत्ता जो हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क डन जो है वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है, इसलिए वो जो है हमने उनको ये चीज़ डिस्टिंग्विश करने के लिए और मैथमेटिकली कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं हैं, इनके ऊपर ये डैशेस लगा दी। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन का जो बुनियादी फॉर्मूला होता है, इट्स रिलेटेड टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप ये समझ लें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो हम कह देते हैं कि एक्सपेंड कर रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको हम माइनस डी एक्स कह देंगे, एक को प्लस डी एक्स कह देंगे। अच्छा जी, एनीवे फोर्स जो है यहाँ पे, जो फोर्स है वो क्योंकि गैस जो है वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, या गैस के ऊपर एक ये वेट्स की वजह से, पिस्टन के ऊपर जो वेट है उनकी वजह से एक प्रेशर है, तो फोर्स को आप प्रेशर इनटू एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एरिया इनटू डीएक्स जो है ना, ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशियल ऑफ द वॉल्यूम। कि अगर आपने इसको
ऊपर की तरफ ले गए या नीचे की तरफ ले गए तो वॉल्यूम में इन्फिनिटेसिमल और थोड़ी तब्दीली। और ये ध्यान में रखना है कि थोड़ी तब्दीली और जो डी यू और डी की बात करके आ रही है वो इसी नज़रिए से कि हम स्मॉल चेंजेस की हम बात करते हैं ताकि हम क्वाज़ी स्टैटिक कंडीशंस में रहें कि हम जो है नियर इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ही में मौजूद हों। सो मैंने जैसा कहा है द गैस को कंप्रेस किया तो डी एक्स लेस देन ज़ीरो हो जाएगा और नतीजतन डी वी भी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एरिया तो हमने फिक्स किया, वो एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया मतलब ये कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा मगर ये जो अंदर की तरफ है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तो इसलिए ये थ्री डायमेंशनल है ना, तो अंदर की तरफ जो एरिया है और फिर आपके पास ये इधर जो है इस डायरेक्शन में आपके पास डी एक्स। तो फिर ये जो है ना वर्क डन बाय द गैस जो है ना वो फिर आपको नेगेटिव आ जाता है। तो आपके पास डी यू जो है वो माइनस पी डी वी प्लस डी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की नेगेटिव साइन की डिक्रीज करने का मतलब ये है कि आपने जो है इनके ऊपर वेट्स बढ़ा दिए, ठीक है ना। वेट्स बढ़ा के हल्का हल्का करेंगे, मतलब बड़े माइन्यूट से लाइट से वेट्स रखेंगे मगर ये कि वॉल्यूम नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि डी वी जो है वो नेगेटिव हम ले रहे हैं, डी कंप्रेस कर रहे हैं ना, डी वी को नेगेटिव लेंगे तो फिर ये यहाँ से नेगेटिव साइन जो है ना इधर पॉजिटिव साइन बन जाएगा। और इसका मतलब ये होगा क्योंकि जो पिस्टन ने जब आपने वेट्स रखे हैं तो एक तरह से एनवायरनमेंट ने वर्क किया है ऑन द सिस्टम तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, डी यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह साइंस का थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा अब हम ताकि इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए एग्जांपल करते हैं और वो ये है कि लेट्स थिंक ऑफ दिस प्रोसेस जिसमें हम गैस को जो है एक्सपेंड करते हैं वी से वी प्लस डी वी स्मॉल अमाउंट। लेट्स से देयर सम वी हेयर और आपने एक्सपेंड ये वी, ये पॉइंट जो है वी है और ये पॉइंट जो है वी प्लस डी वी है ऑन द कर्व जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस वाला कर्व है। तो ये डी वी जो है ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। और प्रेशर जो है इस दौरान, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो प्रेशर इज सम फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन कैसे क्या होगा, वर्क डन वुड बी पी डी वी। अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होता तो फिर जब इंडिपेंडेंट ऑफ वी होता तो खाली पी डी वी, वरना जनरली क्या होगा क्योंकि प्रेशर भी वॉल्यूम के साथ तब्दील हो रहा है, यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर गैस को कंप्रेस करते चले जाते हैं तो प्रेशर गैस का बढ़ता चला जाएगा बिकॉज इट्स नाउ कन्फाइंड टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर वॉल्यूम जो गैस का आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द पिस्टन और दे विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट बिकॉज यू हैव कंप्रेस्ड इट मोर। अच्छा जी, और इसमें फिर पी वी और टेम्परेचर का भी रिलेशन है तो इसलिए वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। अच्छा जी, तो ये जो है अगर आपने टोटल मालूम करना है वी वन टू वी टू जो वॉल्यूम है एक्सपेंड करें तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स डू इट फॉर लेट्स डू एन एग्जांपल कि हम कहते हैं कि अगर हमारा एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हमने टेम्परेचर तब्दील नहीं किया जिसको हम आमतौर पर कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना वो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी इस प्रोसेस के दौरान हमने मसलन गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पिस्टन को अंदर की तरफ ले जा रहे हैं या ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, इस दौरान आप टेम्परेचर जो है ना ऑफ द गैस को तब्दील ना होने दें। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आप उस जो गैस है उसको किसी न सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो हीट ट्रांसफ़र होती रहे, ताकि वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब आप पिस्टन को मूव करेंगे ऊपर नीचे तो आप जो हैं वो टेम्परेचर ऑफ द गैस को तब्दील करेंगे क्योंकि आप उसमें जो है इंटरनल एनर्जी तब्दील कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो तब्दील होगी तो टेम्परेचर तब्दील होगा, मगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर सेम रखें तो इसका मतलब आप ये चाहेंगे कि इंटरनल एनर्जी तब्दील ना हो। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं जो करेंगी,
अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो इसका मतलब डी क्यू जो है ना कोई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जो आप इस इक्वेशन को देखें तो इनमें जो इंटरनल एनर्जी को अगर आपने फिक्स रखना है, इंटरनल एनर्जी को अगर आपने फिक्स करना है कि ये तब्दील ना हो, तो फिर इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा एक दूसरे को, यानी वर्क डन और हीट ट्रांसफ़र जो है ना वो एक दूसरे को कंपनसेट करे ताकि ये चेंज ना हो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में करना चाहते हैं और हमारे पास तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ये हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, तो आपको किसी एनवायरनमेंट में यानी हॉट प्लेट पे रखना पड़ेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अंदर लाता रहे, आहिस्ता आहिस्ता हीट अंदर आती रहे कि वो मेंटेन करे वो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये वो एरो और डेल्टा क्यू ये चीज़ है। अच्छा, हमने हमारे पास बेसिक फार्मूला तो है, हम इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर हमें फिज़िकल प्रोसेस का भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो मैंने अभी बताया। वो हम फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास बेसिक जो आइडियल गैस लॉ की रिलेशन है वो ये है। हमें जो चाहिए बेसिकली ये चाहिए कि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है वी टू वी प्लस डी वी, तो इस प्रोसेस को हम कई दफ़ा ये भी कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी गैस एक्सपेंड कर रही है मगर अंडर द कंडीशन दैट इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा। तो वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये है ना कि ये एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम वी वन टू वी टू, कोई भी आपके पास वॉल्यूम है। हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि प्रेशर कैसे तब्दील हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान में, कि आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहे हैं सच दैट द वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, बट हाउ इज़ द प्रेशर चेंजिंग। तो वो हमें मिल सकता है आइडियल गैस लॉ के लिए के थ्रू, ये हमें मिल जाएगा। अब हम जब ये कहते हैं कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड सारी की सारी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन होती तो वॉल्यूम कम हो रहा होता और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा होता। तो ये एक दूसरे का जब प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहना है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि आइडियल गैस है तो क्वेश्चन ये है कि जब इसको हमने इंटीग्रेट करना है और ये मालूम करना है वर्क डन एज यू गो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट वन टू इक्विलिब्रियम स्टेट टू, वन में कोई वैल्यू है प्रेशर की और वॉल्यूम की और टू में भी कोई वैल्यू है प्रेशर और वॉल्यूम की, एक को हमने पी वन वी वन कह सकते हैं, दूसरे को पी टू वी टू कह सकते हैं, मगर अब हमें वॉल्यूम्स तो बता दी गई हैं। अब हमें इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कैसे चेंज होता है, क्योंकि हमें वर्क डन के लिए पी डी वी चाहिए ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है वो हमें ये आइडियल गैस लॉ से मिल जाएगा। तो पी डी वी जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आइडियल गैस लॉ का इसमें कर दें। अच्छा, अब इधर जो है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना होता था तो फिर हम ये इधर से बाहर नहीं निकाल सकते थे इंटीग्रल से, मगर क्योंकि कांस्टेंट है तो हमारी बड़ी आसानी हो गई, सिर्फ एक ही वेरिएबल है वी और उसी के ऊपर इंटीग्रेशन है। तो अब आपके पास जब इसको इंटीग्रेट करें डी वी और वी को तो ये लॉग ऑफ ये क्वान्टिटी आ जाती है। तो ये बेसिकली आपका, आपको कोई वॉल्यूम दे दे इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो मैंने जैसा कहा था कि इंटरनल एनर्जी क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर हम ये जानना चाहें कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई, साफ ज़ाहिर है क्या होगी, वो इसके बराबर ही होगी ना, ताकि ये जो कंपनसेट कर सके कि अगर आपने कोई सिस्टम ने वर्क डन किया है, गैस ने वर्क डन किया है और लूज़ की है ये इंटरनल एनर्जी, तो इतनी हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए कि वो लॉस को कंपनसेट कर सके और एनर्जी को मेंटेन कर सके एट द सेम कांस्टेंट लेवल। सो सिंस टी डिपेंड डज नॉट चेंज तो इसका मतलब है कि यू भी जिस तरह मैंने कहा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है इंटरनल एनर्जी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जिसका मैंने मेंशन किया था कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर प्रिवेंट करती है
और टेम्परेचर अगर आपने कांस्टेंट रख लिया है तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, इसका मतलब यू भी तब्दील नहीं होगा. तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट वन में यू की वैल्यू थी, इक्विलिब्रियम स्टेट टू में भी यू की वही वैल्यू होगी. तो अब यू तब्दील नहीं हो रहा तो डी यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, यू में कोई तब्दीली नहीं है. तो डी क्यू जो है वो पी डी वी के बराबर आ जाएगा. तो इसका मतलब है क्यू की भी वही वैल्यू आपकी जो वर्क डन के बराबर ही हीट ट्रांसफ़र होगी. तो ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस जो है ना, जो जो आप क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस करेंगे यहाँ से जब हम मूव करना शुरू करेंगे आहिस्ता 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 क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में, तो हर स्टेज के ऊपर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो वर्क डन के बराबर होगी. हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है वो वर्क डन के बराबर होगी, और टोटल जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो टोटल वर्क डन के बराबर होगी. टोटल का मतलब ये इंटीग्रल कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगी और ये उसकी ये वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरीके से हम फिर न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. आपको मैं अगर नंबर दे दूँ कि जी वॉल्यूम डबल हो गई है तो यहाँ टू आप डाल देंगे, टू वी डिवाइडेड बाई वी, और टेम्परेचर ये था, तो एग्जैक्ट आप हीट ट्रांसफ़र डिटरमिन कर सकते हैं. तो ये न्यूमेरिकली आप फौरन कैलकुलेट कर सकते हैं. आप नंबर इसमें डाल सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है, टेम्परेचर दे दिया जाए, वॉल्यूम डबल हो गई, ये वॉल्यूम थ्री टाइम्स हो गई, ये वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, आप फौरन नंबर डाल के हीट ट्रांसफ़र मालूम कर सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है. मिसाल के तौर पर जो आपने ये जो गैस ये पिस्टन सिलेंडर गैस सिलेंडर वाला जो अरेंजमेंट है इसको किसी हॉट प्लेट पर रखा हुआ है इधर, कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हीट ट्रांसफ़र हो रही है क्वाजी स्टैटिकली, और वो टोटल हीट ट्रांसफ़र क्या है, वो जो है वो हमने देख लिया कि वर्क डन के बराबर है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी तब्दील नहीं हो रही. तो जितना वर्क डन हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी की कीमत पे, वो हीट ट्रांसफ़र होके फ्रॉम द एनवायरनमेंट यहाँ से हीट ट्रांसफ़र, आप समझ लें कि ये अलाउ कर रहे हैं हम यहाँ से हीट ट्रांसफ़र, तो जितना वो इतना हीट ट्रांसफ़र होगा कि वो उसको कंपनसेट कर सके. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आज फिर हम यहाँ रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. तो अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स.